आइए रागिनी जी, अनमोल सर आइए। वो साक्षी अभी अभी चली गई, वो मैम ने हम जानते हैं। दरअसल मैं यहाँ पे तभी आना चाहते थे जब साक्षी ना। दरअसल इनके कहने का मतलब ये है कि हम साक्षी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और हम साक्षी के सारे फ्रेंड्स को उसकी एंगेजमेंट के ओकेजन पे इनवाइट करना चाहते हैं। अब जितनी भी लड़कियां यहाँ पर हैं वो सब तो आएंगी आएंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके बाकी जान पहचान वाले वो भी आए। बस इसी सिलसिले में आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। तो आप यहाँ साक्षी की किसी सहेली से पूछ लीजिए, वो सब बता देगी। आप समझे नहीं, अगर सरप्राइज सरप्राइज ही नहीं रहेगा तो फायदा कैसे। जरा सोचिए, अगर उसकी दोस्त ने साक्षी को ये बात बता दी तो फिर सारा का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। नहीं, फिर आप एक काम कीजिए। साक्षी एक डायरी रखती है जिसमें वो अपने दोस्तों के नाम, नंबर और उनके बारे में बाकी जानकारी भी लिख के रखती है। ये ठीक रहेगा, चले आइए। ये तुम्हारे लिए है साक्षी। कल तुम अपना नेक लिए बिना ही चली गई, तो हाथ दो। जी, वो अचानक इतना कुछ हो रहा था मेरे साथ। जिंदगी भर अकेली ही रही हूँ ना, कभी इतना प्यार, अपनापन ये सब देखा नहीं, पर आपकी वजह से मेरी जिंदगी ही बदल गई। इतना प्यार देखने को मिला कि ये दिल भर आया, इसलिए मैं रुक नहीं पाया। हम समझ सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें इस बदलाव की आदत डालनी होगी। आफ्टर ऑल तुम राजवंश खानदान की बहू जो बनने जा रही हो, और आले की पत्नी, इसलिए पूरा आगरा शहर जानना चाहेगा कि हमारी ये होने वाली बहू साक्षी कैसी है, कौन है, सब तुमसे मिलना चाहेंगे। मैम, आप मुझसे एक वादा करेंगे कि आप मुझे हर वक्त गाइड करेंगे? ऑफ कोर्स, हम है ना। एक्सक्यूज मी। खुशी, तुम्हारी नई मम्मा, जाओ ना उनके पास। डैमी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। ओके, चलो। डैमी, मैं उन्हें क्या बुलाऊंगी? छोटी माँ। क्या ये सही रहेगा? उनसे ही पूछ लो ना। हेलो, हेलो, हेलो। क्या मैं तो छोटी माँ बुला सकती हूँ? नहीं। क्यों साक्षी? तुमने ऐसा क्यों कहा? मेरा मानना है कि रिश्ते सिर्फ नाम देने से पक्के नहीं होते, बल्कि प्यार से जुड़ते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुशी को उसकी माँ बनकर उससे प्यार करूँ, ताकि फिर वो मुझे छोटी माँ नहीं बल्कि माँ बोले। वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही कहा। खुशी, हमें लगता है कि तुम्हें अपनी नई मामा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन फिलहाल तुम दोनों साक्षी की मदद कर सकते हो एंगेजमेंट की साड़ी और ज्वेलरी सिलेक्ट करने में, राइट? बस ज्वेलर अभी आता ही होगा। माफ कीजिए, मैंने आपको चाय तक नहीं पूछी। आप लोग साक्षी की डायरी ढूंढे, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करके आती हूँ।
सीक्रेट नंबर्स है, भारतीय इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी हमें? आपको याद है कि जब मैं साक्षी को मिलने गया था तब उसे कुछ गुंडे परेशान करे? उसने मुझे बताया था कि किसी ज्वेलर का, यानी हो सकता है कि साक्षी ने अपनी ज्वेलरी किसी ज्वेलर के यहाँ गिरवी रखी। अगर हमें यही पता चल जाए कि उसने ज्वेलरी क्यों और कहाँ गिरवी रखी तो हमें भी पता चलता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, और फिर शायद हमें ये भी पता लग जाए कि उसने अगर शादी के लिए हाँ की तो क्यों की। तो ये सब कुछ हमें पता कैसे चलेगा? इस डायरी में तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सुनिए, अगर हम इसकी अलमारी चेक करें तो शायद हमें यहाँ से कुछ पता चल जाए। मुझे लगता है और कोई चारा था। साकरी जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हूँ प्लीज? मैं अभी लाती हूँ। साक्षी, इसका मतलब साक्षी घर खरीदना चाहती थी और घर खरीदने के लिए उसे बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। देखिए ना, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, हैप्पी होम स्टेट एजेंसी। अगर हम यहाँ चले तो शायद हमें कुछ यहाँ से पता चल सके। चले चलो। हाँ तरुण, वो मैं बिल्डर के पास जा रहा हूँ एडवांस के पैसे वापस लेने। तुमने कल जो कहा वो सच, जब हम आगरा में रह ही नहीं सकते तो यहाँ मकान बुक कराने का क्या फायदा? वो सब तो ठीक है तरुण, पर तुमने सोचा कि हम जाएंगे कहाँ? मुंबई चले जाएंगे, इतने बड़े शहर में कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। लेकिन साक्षी, मुंबई में मकान खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। तुम चिंता मत करो तरुण, अपने घटिया इरादे और मेरी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए वसुंधरा राजवंश को कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही होगी ना, और यही उनके लिए सही सजा। जरा सोचो तरुण, जब वसुंधरा जी के बेटे आलेख की शादी पूरी दुनिया अटेंड कर रही होगी और वो अपनी दौलत का दिखावा कर रही होगी और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि दुल्हन तो गिफ्ट और जेवर लेकर भाग गई है, तब सब जान जाएंगे कि वसुंधरा जी अपने दौलत के बल पर मजबूर लोगों का फायदा उठाती है। सर जी, ये घर लगभग बिक चुका है सर, छोड़िए ना सर इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी में क्या रखा है जी? मैं आपके लायक बढ़िया से बढ़िया प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको, कुछ भी बोलो सर, बंगला बोलो, फ्लैट बोलो, दिखाता हूँ ना जी। दरअसल हम घर के बारे में नहीं बल्कि उस लड़की के बारे में जानने आए हैं जिसने ये फ्लैट बुक करा। वो क्या है ना, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। उसे पैसों की प्रॉब्लम है पर वो हमारी मदद लेना नहीं चाहती। जी हाँ, पर हम जानते हैं कि उसे घर बहुत अच्छा लगता है और किसी भी कीमत पे चाहिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आके सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर लें। यू नो, जैसे ये डील है, पेमेंट, हम इनफैक्ट पेमेंट बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें इतना बता दें कि ये बुकिंग कब हुई, कितना अमाउंट है, कितना बाकी है जी।
कितने किस्मत वाले हैं जी दोनों, जो आप जैसे दोस्त मिले हैं। दोनों जी, उसके साथ एक लड़का आया था जी, क्या नाम था जी उसका, उन दोनों ने फ्लैट बुक किया था जी। बड़ा प्यारा जोड़ा है जी, दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। आप तो उनके दोस्त हैं, जानते होंगे दोनों की शादी होने वाली है। वो तो हम जानते हैं, लेकिन वो पैसों की प्रॉब्लम, क्या उन्होंने मकान बुक करवा लिया? नहीं नहीं, अभी नहीं किया है। जैसा कि आप कह रहे थे, बेचारों के पास पैसे कम थे, इसलिए उन्होंने डाउन पेमेंट पूरी नहीं की। मेरे ख्याल से आजकल में डाउन पेमेंट पूरी कर देंगे। हम भी यही कहना चाहते थे, है ना जी। एक मिनट जी। हेलो हेलो, मुझे सिग्नल नहीं आ रहा, आता हूँ जी, एक मिनट जी। जी हाँ जी, इसका मतलब साक्षी को घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन जब वो उस लड़के से प्यार करती है, उसके साथ अपना घर बसाना चाहती है, तो फिर वो जिया जी के साथ शादी के लिए क्यों तैयार हुई? जी हाँ जी सर। एक्सक्यूज मी, आप हमें उस लड़के का नाम बता सकते हैं जिसके साथ मिलकर साक्षी ने ये मकान बुक कराया? क्या बताऊं, सर जी क्या बताऊं सर जी, इतने कस्टमर आते हैं जी दिन भर में, ये किन किन का नाम याद रखेंगे जी? भाजी आपका ही कोई दोस्त होगा जी। यही तो प्रॉब्लम है जनाब, साक्षी हमें कुछ बताती नहीं है, तो हम है कि साक्षी की मदद करना चाहते हैं। 15-20 लाख, 15-20 लाख की रकम तो वैसे ही दे सकते। तो क्या है ना कि साक्षी बहुत ही इनोसेंट है, समझती नहीं है। कुछ तो होगा आपके पास, कुछ पेपर्स जिसमें खरीदार का नाम लिखा। जी बिल्कुल देख सकते हैं जी, वो जी रसीदें होंगी जी, फॉर्म होंगी जी, वो कागजात हम देख सकते हैं। पेपर्स रिकॉर्ड रूम में पड़े हुए जी, वहाँ ताला पड़ा हुआ है और चाबी मेरे असिस्टेंट के पास रहती है, वो अभी तक आया नहीं है जी। वो जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो आने वाला होगा, आप इंतजार कर सकते हैं। हम बिल्कुल इंतजार कर सकते हैं। तो बैठिए जी। जी थैंक्स। मैं आया जी। हैं वो वार्डन मैम कह रही थी कि मैं जैसे ही लौटूं आपसे मिलूं। क्या बात है साक्षी, वैसे चौंक क्यों गई? वो तस्वीर देख रही हो ना साधना की, वो मेरी बेटी ना होते हुए भी मेरी बेटी से कहीं ज्यादा थी। इस संस्था की भी सभी बच्चियों को मैं अपनी बेटियां ही तो मानता हूं, तो फिर मुझे तुम पर नाज क्यों ना हो? लेकिन लेकिन आज उस गर्व की जगह गहरी चिंता ने ले ली है। कभी हालात से मजबूर होकर मेरी साधना को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा समझौता करना पड़ा था, और यही वजह है बेटा कि मैंने इस नारी निकेतन की स्थापना की, ताकि कोई भी अनाथ बेबस बच्ची हालात के आगे झुककर समझौता करने के लिए मजबूर ना हो जाए। लेकिन आज साक्षी, मैं अपनी उस कोशिश को हारते हुए देख रहा हूं बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा समझौता करते हुए देख रहा हूं। यकीन मानिए सर,
ना तो मेरी कोई मजबूरी है और ना ही मैं कोई समझौता कर रही हूँ। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा घर और परिवार मिल रहा है। घर, परिवार, इसके साथ शादी में एक पति भी मिलता है। अलीक बाबू मेरे बेटे समान है, मेरे दिल के बहुत ही करीब है वो। लेकिन आज वो ऐसी स्थिति में है नहीं बेटा कि एक पति होने की जिम्मेदारी समझ सके। बेटा मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। एक बार और सोच लो साक्षी। काफी सोच लिया मैंने सर। वसुंधरा जी, रागिनी जी और उनके पति सब बहुत अच्छे लोग हैं और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। और जहाँ तक आलेख जी का सवाल है तो मुझे पूरा यकीन है कि साधना जी की तरह मैं भी उनमें सुधार ला सकती हूँ। अपनी चुनौती को स्वीकार कर लिया है सर। अब मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। एक पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद से वंचित कैसे रख सकता है? मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें शक्ति मिले, क्योंकि तुमने जो फैसला किया है उससे सहमत नहीं। माफ कीजिएगा सर, मैंने आपका दिल दुखाया। सही या गलत, इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। एक घंटा हो गया, ये असिस्टेंट अभी तक नहीं आया। अब पता नहीं ब्रोकर कहाँ गायब हो गया। लेकिन इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। सर इतना वक्त हो गया, आपका असिस्टेंट अभी तक नहीं आया। अभी फोन लगाता हूँ जी उसको। जी। उसने फाइल इसी ड्रॉअर में रखी थी। फाइल मेरे हाथ लग गई। टू एंजॉय मोर सच अमेजिंग वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।